मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो कैसे मूव करता है, इन अ सर्कल। ऐसा किया हमने, इसके अंदर जो सर्कल का रेडियस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, आर इज इक्वल टू एम इन टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई बी क्यू। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, आर इज एम बी बाई बी क्यू, क्लियर है? ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल क्यू, कोई भी चार्ज पार्टिकल है क्यू, आपको न्यूमेरिकल में सब कुछ देगा, एम बी क्यू, आपको वेलोसिटी नहीं देगा। अगर वेलोसिटी देगा फिर तो, और रेडियस पूछेगा फिर तो आंसर आ ही जाएगा, पर आपको वेलोसिटी देने के बजाय वो आपको क्या कहेगा, एक चार्ज पार्टिकल क्यू मूव कर रहा है विथ काइनेटिक एनर्जी के के, तो इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी आपको काइनेटिक एनर्जी देगा के, और आपसे पूछेगा कि रेडियस बोलो पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, तो फॉर्मूला आपको पता होगा, आपको क्या नहीं गिवन, वेलोसिटी। तो आप क्या करेंगे इसमें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इन टू एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी इज इक्वल टू टू के बाय एम का अंडर रूट। इस वेलोसिटी को आप यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आर इज इक्वल टू एम बाय बी क्यू, वेलोसिटी की जगह अंडर रूट ऑफ टू के बाय एम, और फाइनली आर इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय पी क्यू, अंडर रूट ऑफ टू इंटू के इंटू मास, जब अंडर रूट के अंदर जाएगा एम का स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे एम से एम कैंसल, तो रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ टू एम के डिवाइडेड बाय बी क्यू। प्लीज ये फॉर्मूला नोट कर लें सारा अपने फॉर्मूला बुकलेट के अंदर।